सदन में पल्लवी पटेल की दहाड़, केशव प्रसाद मौर्य को पल्लवी ने ललकारा। केशव की टिप्पणी पर देखिए पल्लवी ने क्या कहा। जब पल्लवी ने ललकारा तो सब रह गए मौन, सत्ताधारियों का भी ललकार से लटक गया चेहरा। उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदन में आज पल्लवी पटेल का जो रूप दिखा वो रूप सत्ताधारियों को अंदर तक कपा गया। दूसरे नंबर के मुखिया केशव प्रसाद मौर्य को ललकारते हुए पल्लवी पटेल ने जो नसीहत दी वो नसीहत सत्ताधारियों को रास तो नहीं आई होगी, लेकिन फिर भी खिसियानी मुस्कुराहट के साथ सब कुछ सुनना पड़ा। सिराथू से सपा विधायक पल्लवी पटेल केशव प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव के बीच पिछले दिनों हुए वाक युद्ध पर बोल रही थी, और जो बीजेपी अखिलेश यादव को नसीहत देने का काम कर रही थी उसे पल्लवी पटेल ने सदन में ऐसा धोया जिसकी कभी सत्ताधारियों और खुद केशव प्रसाद मौर्य ने भी उम्मीद नहीं की होगी। बताएंगे कि पल्लवी पटेल ने क्या कहा और क्या नसीहत दी, लेकिन पहले आप बताएं कि क्या यूपी की सियासत में भाषा की मर्यादाएं लांघी जा रही हैं? क्या सत्ताधारी पार्टी के लोग नियमों को चुनौती दे रहे हैं? आपकी राय क्या है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अब बात करते हैं पल्लवी पटेल की। तो पल्लवी पटेल के तेवर किसी शेरनी से कम नहीं थे, और जब उनको बोलने का मौका मिला तो फिर भाषा की मर्यादा और शिष्टता का पाठ ऐसा पढ़ाया कि सत्ताधारी बगले झांकने लगे। आप भी सुनिए पल्लवी पटेल ने कैसे सदन में केशव प्रसाद मौर्य का नाम लिए बिना उनको जमकर धोया। ये बताना चाहूंगी कि जिसकी अपनी जमीन ना हो वो दूसरों की जमीन की बात ना करे, और अपनी भाषा और अपना बर्ताव विनम्र और शिष्ट रखे। ये बताना चाहूंगी कि जिसकी अपनी जमीन ना हो वो दूसरों की जमीन की बात ना करे, और अपनी भाषा और अपना बर्ताव विनम्र और शिष्ट रखे। दरअसल पल्लवी पटेल केशव प्रसाद मौर्य के उस बयान से खफा दिख रही थी जिसमें उन्होंने सैफई का जिक्र किया था, और उसके बाद अखिलेश यादव ने केशव प्रसाद मौर्य की बोलती बंद कर दी थी। आज जब पल्लवी पटेल को बोलने का मौका मिला तो उन्होंने भी साफ शब्दों में केशव प्रसाद मौर्य का नाम लिए बिना जो कहा वो सनसनी का कारण बन गया। पल्लवी पटेल ने कहा कि जिसकी जमीन नहीं वो जमीन की बात ना ही करे तो बेहतर होगा। पल्लवी की बात सुनकर सपा के विधायक तो गदगद दिखे, लेकिन सत्ताधारियों को जैसे सांप सूंघ गया हो। सभी के चेहरे लटके हुए थे और सब मौन होकर सुन रहे थे। पल्लवी पटेल अब सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही हैं और सपाई बीजेपी की जमकर चुटकी ले रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।